अगर आपने रमजान की शॉपिंग वैरायटी सुपर बाजार से नहीं की तो समझो घाटे में रह गए। वैरायटी सुपर बाजार में 40 से ज्यादा खजूर की वैरायटी, फ्रोजन आइटम, डेजर्ट, सॉसेजेस, जूस एंड क्रश, ये सभी आपको मिलेंगे डिस्काउंटेड रेट पर। और सबसे अहम, रूह अफजा 175 रुपए की जगह मात्र 145 रुपए में अवेलेबल है। तो रमजान की शॉपिंग का मजा लीजिए एट वैरायटी सुपर बाजार, जिनकी भिवंडी में 3 ब्रांचेस है, मंडई, खड़क रोड और 3 बत्ती पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे रमजान स्पेशल में आप सभी का इस्तकबाल। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में कुरान मजीद में छुपे कुछ मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। कुरान मजीद जहाँ अपने अंदर अल्लाह ताला के तख्लीक करदा तमाम ज़मीन व आसमान के उलम का ख़जाना समाये हुए हैं, वहीं कुरान हकीम का एक एक हर्फ इतनी ज़बरदस्त और इंसानी दस्तरस्त से बाहर कैलकुलेशन किए हुए हैं और इतने ज़बरदस्त हिसाब व किताब के साथ अपनी जगह पर फिट है कि इसके आगे दुनिया के बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फेल दिखाई देती है। गलतियों से मुबर्रा होने के साथ साथ इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब बरपा कर देने वाली इस अजीम शान, इस बाबरकत किताब में छुपे इस अब्दी मौजूज़े ने तमाम दुनिया के रियाजी दानों और अल्लाह के वजूद को ना मानने वाले इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट के भी छक्के छुड़ा दिए और वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये किसी इंसान का तख्लीक करदा कलाम हो ही नहीं सकता। कुरान का हर एक लफ्ज़ इतनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है, वो तादाद और उसका बैकग्राउंड, एक तरफ तो इल्म इरफान का वसी जहाँ है, दूसरी तरफ उसी का हर एक सूरत और आयत और हर लफ्ज़, यहाँ तक के हर्फ और उसकी तादाद, उसमें मौजूद अहकामात की नौइयत और उसके बयान करने की वजह, नुजूल वाही और अल्लाह ताला की तख्लीक करदा निज़ाम कायनात के साथ उसके ताल्लुक को, जो रूहानी बुनियादों पर भी हो सकता है और साइंस की बुनियादों पर भी। दुनिया के सुपर कंप्यूटर्स को फेल करने वाली सिर्फ एक छोटी सी बाबरकत सूरह, सूरह कौसर ने कुरान मजीद की एजाजी मौजूज़े पर पर्दा उठाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। सूरह कौसर में मौजूद अददी मौजूज़े ने तमाम दुनिया को हैरान कर दिया है। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है। सूरह कौसर की पहली आयत में 10 हरूफ है, जबकि सूरह कौसर की दूसरी आयत में भी 10 हरूफ है और उसकी तीसरी आयत में भी 10 ही हरूफ है। इस पूरी सूरह में जो सबसे ज़्यादा बार हरफ आया है वो है अलिफ, जो कि 10 दफ़ा आया है। वो हरूफ जो इस सूरह में सिर्फ 1 दफ़ा आया है, इनकी तादाद भी 10 है। इस सूरह की तमाम आयत का इख्तिताम हरफ रा पर हुआ है, जो कि हरफ हिज्जा में 10वां हरफ शुमार हुआ है। कुरान मजीद की वो सूरतें जो कि हरफ के रा पर इख्तिताम पजीर हो रही है, उनकी तादाद भी 10 है, जिनमें सूरह कौसर सबसे आखिरी सूरह है। कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत में 10 का अदद ही बार बार क्यों इस्तेमाल किया गया है, इसकी हकीकत सूरह कौसर की ही एक आयत में बयान फरमा दी गई है। अल्लाह ताला ने सूरह कौसर में फरमाया, फसल्ली लिर्रब्बिका वन्हर, यानी बस नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। अल्लाह ताला ने इस आयत में मुसलमानों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया है। अगर आप गौर करें तो मालूम होगा कि ज़िलहज की 10 को अल्लाह के इसी हुक्म की बजाआवरी के लिए कुर्बानी की जाती है। अल्लाह की शान के ये सब खूबसूरत हकीकी कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह के बारे में है, जो कि तमाम दुनिया को हैरत में डाले हुए हैं। अगर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह में अदद और अहकामात का इतना खूबसूरत तरीके से ख्याल रखा गया है, तो कुरान पाक की बड़ी सूरतों में ये खूबसूरती और अददी तवाज़ुन कैसा होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने अपने बंदे पर जो कुछ नाजिल किया, अगर तुम्हें इस पर शक हो तो उस जैसी एक भी सूरह ले आओ। कुरान पाक का हर लफ्ज़ जितनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, वो तादाद और उसका पूरा बैकग्राउंड अपनी जगह खुद इल्म इरफान वसी जहां है। दुनिया का लफ्ज़ अगर 115 मर्तबा इस्तेमाल किया गया है, तो उसके मुकाबिल आखिरत का लफ्ज़ भी 115 मर्तबा ही इस्तेमाल हुआ है। शयातीन और मलाइका 88, मौत और हयात 145, नफ़ा और फसाद 50, अजर और फसल 108 और यौम का लफ्ज़ 360 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। इतनी बड़ी किताब में इस अददी मुनासिबत का ख्याल रखना किसी भी इंसानी मुसन्निफ़ के बस की बात नहीं। जदीद तरीन रिसर्च के मुताबिक कुरान मजीद के हिफाजती निज़ाम में 19 के अदद का बड़ा अमल दखल है। इस हैरान कुन दरियाफ्त का सहरा
एक मिस्री डॉक्टर रशीद खलीफा के सिर है। सन 1968 में उन्होंने मुकम्मल कुरान पाक कंप्यूटर पर अपलोड करने के बाद कुरान पाक की आयत और उनके अल्फाज और हर्फ में कोई रिलेशन तलाश करना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता और भी लोग इस रिसर्च में शामिल होते गए। 1972 में एक बाकायदा रिसर्च सेंटर बन गया। रिसर्च का काम आगे बढ़ा। उन लोगों पर कदम कदम पर हैरतों के अंबार खुलने लगे। कुरान हकीम के अल्फाज और हरूफ में उन्हें एक ऐसी हिसाबी तरतीब नज़र आई जिसकी मुकम्मल अदराक के लिए उस वक्त तक के बने हुए कंप्यूटर नाकाफी थे। अब आइए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली पहली वही की तरफ। ये सूरह अलक की पहली 5 आयतें हैं और यही से 19 का हिसाबी फार्मूला का आगाज़ होता है। इन 5 आयतों के कुल अल्फाज 19 और ये 19 अल्फाज के हरूफ 76 है। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती। जब सूरह अलक के कुल हरूफ की गिनती की गई तो अकल इंतहाई हैरत में डूब गई कि इसके कुल हरूफ 304 है। कुरान पाक की मौजूदा तरतीब के मुताबिक सूरह अलक कुरान पाक के 96 नंबर पर सूरत है। अब अगर कुरान पाक की आखिरी सूरह सूरतुल नास की तरफ से गिनती करें तो आखिर की तरफ से सूरह अलक का नंबर 19 बनता है और अगर कुरान पाक की इब्तिदा से देखें तो 96 नंबर की सूरत से पहले 95 सूरत है जो कि ठीक 19+5 का हासिल ज़र्ब है, जिससे ये साबित हो जाता है कि सूरतों के आगे पीछे की तरतीब भी इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हिसाबी निज़ाम का एक हिस्सा है। आज जबकि अकल व खुर्द को साइंसी तरक्की पर बड़ा नाज है, यही कुरान पाक फिर अपना चैलेंज दोहराता है। हिसाबदान साइंसदान हर खास व आम मोमिन काफिर सब सोचने पर मजबूर है कि आज भी किसी किताब में ऐसा हिसाबी निज़ाम डालना इंसानी बिसात के बाहर है। ताकतवर कंप्यूटर की मदद से भी इस जैसे हिसाबी निज़ाम के मुताबिक हर तरह की गलतियों से पाक किसी किताब की तश्कील नामुमकिन है। लेकिन 1400 साल पहले तो इसका तस्वूर ही मोहाल है। लिहाजा कोई भी अकलमंद इंसान इस बात का इनकार नहीं कर सकता कुरान पाक का हिसाबी निज़ाम अल्लाह ताला का ऐसा शाहकार मौजूदा है जिसका जवाब क़यामत तक कभी नहीं हो सकता। और कुरान पाक में अल्लाह ताला एक जगह पर इरशाद फरमाता है और पूछ लो गिनती करने वालों से। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में ईमान को सलामत रखे। दोस्तों आज के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।